दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मानसून में रेल यातायात के सुचारू संचालन के लिए लगातार एहतियात बरतता जा रहा है। जोन द्वारा बाढ़ जैसी आपदा के दौरान भी सुरक्षित रेल परिचालन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि रेलवे पुल से ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन करने के लिए एक नई तकनीक इस्तेमाल की गई है। मीटर गेट के स्थान पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। सेंसर युक्त इस नए उपकरण से नदी के जलस्तर की पूरी जानकारी तुरंत मिल जाती है। बिलासपुर जोन के 11 महत्वपूर्ण पुलों पर यह तकनीक स्थापित की गई है। अन्य पुलों में भी इसे लगाने की योजना है। हमारे पास बहुत घने जंगल भी हैं, हमारे पास हमारे एरिया में ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी हैं, कई जो ग्रेडियंट है, हाईली ग्रेडियंट है तो कहीं लो ग्रेडियंट है। इस तरह में रेलवे परिचालन में कहीं अगर तैयारी ना की गई हो तो बहुत विषम हो सकता है, खासकर जब मानसून के समय जब बारिश काफ़ी तेज होती है तो जो हमारी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनसे गाद गिरने की संभावनाएं रहती है। या हमारे जो यहाँ पर नदियाँ हैं, खासकर श्रीनाथ नदी, हंसदेव नदी, बांगो नदी और भी कई तरह की नदियाँ हैं जो बड़ी नदियाँ हैं, उन पर ब्रिज बने हुए हैं, वहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। और यह रहता है कि बाढ़ कभी खतरे के निशान से उसका पानी ऊपर भी आ जाता है, तो इसके लिए हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं वहाँ पर एक ऑटोमेटिक वाटर लेविंग सिस्टम लगाया गया है, जहाँ पर कि बाढ़ की जो नदी का पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है हमारे कंट्रोल रूम को सूचना है उसको ऑटोमेटिक रूप से प्राप्त होती है, और खतरे के निशान से ऊपर बढ़ते ही हमारा कंट्रोल रूम या हमारा जो अमला है पूरा मेंटेनेंस का वो पूरी तरह तैयार रहता है ताकि कहीं भी यात्रा या परिचालन जो है परिचालन बाधित ना हो। गौरतलब है कि सेंसर युक्त यह सिस्टम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसमें एक चिप लगा होता है। इसमें सहायक मंडल इंजीनियर, कार्य निरीक्षक और रेल पाथ निरीक्षक आदि के मोबाइल नंबर दर्ज है। जब जलस्तर खतरे के निशान से बढ़ता या घटता है तो यह मशीन तुरंत ही संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों को SMS भेजकर अलर्ट कर देती है।